तो फैमिली ये है एक छोटा सा मिनी वाला रिव्यू वाओ के एंटी एक्ने फेस वॉश का। इस फेस वॉश में टी ट्री एसेंशियल ऑयल, नीम लीफ, मलबरी और लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है। इसमें नेचुरल एक्टिव्स हैं जो आपके एक्ने प्रोन स्किन को हील करने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इस फेस वॉश की क्वांटिटी 100 ml है और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 249 का पड़ेगा आपको। आप इसको नायका, अमेजोन, वाओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसको वहां से भी परचेज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और आजकल तो ऑफलाइन मार्केट्स में भी, मतलब ऑफलाइन सुपर मार्केट्स में भी आपको वाओ के फेस वॉशेस, वाओ के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम इस फेस वॉश की कंसिस्टेंसी की बात करें तो एकदम क्लियर जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी है इसकी और इसकी कंसिस्टेंसी का 90% रनी है। मतलब जब हम इसको हाथ पे लेते हैं ना और अगर इसको टेढ़ा करोगे ना तो ये बहने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो इसलिए पता मैं क्या करती हूँ कि मैं इस फेस वॉश को अपनी हथेली पे यानी पाम पे लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से रब करके उसका जो फोम बन जाता है, झाग बन जाता है, और फिर उससे फेस वॉश करती हूँ। और जनरली हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि हम फिंगर टिप्स पे फेस वॉश लेते हैं और फिर उसको अपने फेस पे लगाते हैं। हाँ वो भी करते हैं बहुत सारे लोग, मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन पता है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है ना। तो अगर फिंगर टिप्स पे लेते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कब नीचे निकल जाए, कब नीचे खिसक जाए, बह जाए, तो वो पता नहीं चलता। तो मुझे ये हथेली पे लेना और फोम बनाना ज़्यादा सही लगता है। जो फिंगर टिप्स पे लेते हैं ना उसमें इतना मजा नहीं आता, ठीक है। तो आप एक बार इस तरह से इसको ट्राई करना। फिर अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है, जो प्योर टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है, अगर आप उसकी स्मेल को, अगर उसकी फ्रेग्रेंस को आप जानते हैं तो सेम उसी तरह से इसमें भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल आती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली स्मेल है, बहुत एकदम अनबियरेबल स्मेल आती है, मतलब बहुत ही माइल्ड स्मेल है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही सूदिंग स्मेल है। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी स्मेल बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी आपको और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील भी कराएगी आपको। और अगर एक्ने पे कितना ये काम करता है तो 60-40 मतलब 60% मुझे लगा कि मेरे एक्ने पे इसने वर्क किया। 60% क्यों? क्योंकि जब भी हम हमारे एक्ने प्रोन स्किन के लिए कोई भी फेस वॉश लेते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे एक्ने और पिंपल्स को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा, उन्हें हील करेगा, उन्हें क्योर करेगा, उन्हें ट्रीट करेगा। लेकिन मतलब मुझे अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, लेकिन इसने देखो जैसे मेरे सिस्टिक एक्ने होते हैं तो उस पर इसने वर्क किया, लेकिन उतना अच्छा वर्क नहीं किया, उनको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर अगर माइल्ड एक्ने हो, छोटे छोटे एक्ने हो, छोटे छोटे बम्स होते हैं, वाइट हेड्स हो गए या छोटे जो पस वाले पिंपल्स एक्ने हो गए, उस पर हाँ ये अच्छे से वर्क करता है, उन्हें 2-3 दिन में उनको ठीक कर देता है। लेकिन जो सिस्टिक एक्ने वाले जो पिंपल्स होते हैं ना, क्योंकि मेरे अब इतने पिंपल्स नहीं होते लेकिन जब भी होते हैं ना तो वो मोटे मोटे सिस्टिक एक्ने वाले पिंपल्स और एक्ने होते हैं, तो उसको इस फेस वॉश ने उतना ठीक नहीं किया। हाँ ठीक किया, लेकिन उतना ठीक, मतलब उतना ठीक आप समझ सकते हो ना कि हमारे पूरा पिंपल्स एक्ने चले जाएं, लेकिन उसने इतना उसको ठीक नहीं किया। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको खरीदो ही मत, और मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप इसको खरीदो ही खरीदो। देखो यहाँ पे डिपेंड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो मोटे वाले सिस्टिक एक्ने वाले जो पिंपल्स होते हैं ना, अगर वो हो रहे हैं तो उसके लिए मुझे ये फेस वॉश इतना नहीं लगा, इतना ज़्यादा वर्दी नहीं लगा। लेकिन अगर आपको वो छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे हैं, पर्स वाले पिंपल हो रहे हैं, वो जो वाइट हेड्स हो रहे हैं, ज़्यादा पिंपल्स अगर आपको नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप इस फेस वॉश को ट्राई कर सकते हैं। और देखो क्योंकि है ना इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, और है ना मैंने पहले जो भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल वाले फेस वॉश यूज़ किए ना उनमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैंने इस फेस वॉश के लिए भी यही सोचा था कि इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है तो मुझे मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चलता है, हर चीज़, हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप पे सूट नहीं हो सकती, ठीक है। इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन एकदम सूदिंग हो जाती है, स्किन पे जो भी इरिटेशन होती है उसको काम करता है ये फेस वॉश, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फेस वॉश की। और इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद ऐसा मुझे कोई ड्राइनेस, कोई भी रूखापन फील नहीं हुआ। हाँ आप देखो विंटर्स की बात अलग है, विंटर्स में आप चाहे कोई भी फेस वॉश, मतलब जेल फेस वॉश और या फिर फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर लो, आपको हल्की सी ड्राइनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि वो विंटर सीजन है और विंटर्स में ड्राइनेस होती ही अगर हम ऐसे जेल बेस्ड या फिर फोमिंग फेस वॉश यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, वैसे कि मैं आपको बताया हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई फील कर रही हो या नहीं फील कर रही हो, लेकिन आपको फेस वॉश करने के बाद एक अच्छा, मतलब सीरम अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बाद अगर एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। बाकी ऐसा इस फेस वॉश से बिल्कुल मुझे ड्राइनेस, रूखापन वाला फील नहीं हुआ, स्किन बिल्कुल भी ख़राब फील नहीं हुई, इसने मेरी स्किन को ख़राब नहीं किया, ठीक है। हाँ देखो हील का जैसे मैंने आपको बताया कि इसने एक्ने पे इतना वर्क नहीं किया, लेकिन इसने मेरी स्किन को ख़राब नहीं किया, मतलब इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद मुझे एक्ने और पिंपल्स की और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये फेस वॉश सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को शायद सूट ना करे, क्योंकि पहली बार इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, इसमें स्मेल आती है, मतलब इसकी थोड़ी स्मेल है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल की माइल्ड स्मेल है लेकिन स्मेल है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को स्मेल वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो चीज़ उन्हें बहुत कम सूट करती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको फोमिंग वाला फेस वॉश, मतलब इस फेस वॉश में झाग बनता है ना, तो वो भी सेंसिटिव स्किन वालों को काफ़ी हद तक सूट नहीं करता। तो अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाले फिर भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको पैस्टराइज ज़रूर करिएगा। अगर आपको
सूट करता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना प्लीज इसको स्टॉप कर लेना, ठीक है। ये फेस वॉश आपके स्किन को अच्छे से क्लेंस करेगा, डीपली क्लेंस करेगा, आपके पोर्स को अच्छे से साफ करेगा। और सो या ये है मेरा पूरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर।